हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग कलर्स टैरेट 11-11 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं वृष राशि। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे वृष राशि। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकल ही आया है जो कि आपकी स्टार्टिंग हो रही है थ्री ऑफ वॉन्स के साथ। तो टॉरस थ्री ऑफ वॉन्स तो सबसे पहले बता रहा है पिछले कुछ समय से ना आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आपके कुछ अटके पड़े हुए काम हैं जिससे आप कंप्लीट करना चाह रहे हो। तो हो सकता है कि दिसंबर की स्टार्टिंग से ही आप सीरियसली एफर्ट्स लगा रहे हो लेकिन आपका अभी काम बन नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं है, मिड ऑफ दिसंबर हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस की भी एनर्जीज हैं। ये कार्ड मूविंग फॉरवर्ड का माना जाता है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज को पिछले कुछ समय से पकड़ के बैठ गए थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो मूव ऑन कर रहे हो उन सारी एनर्जीज में। और पिछले समय आपने जो डिसीजंस लिए हैं, आपके पास ऑप्शंस प्रॉपर थे करियर में भी रिलेशनशिप में भी, तो आपने जो भी ऑप्शन को चूज़ किया, जिस भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उस पर अपने एफर्ट्स लगाए ना, तो उसका रिजल्ट आपको मिड ऑफ दिसंबर देखने मिलेगा। खास करके करियर में, रिलेशनशिप में आपने जिस पर्सन पे एफर्ट्स लगाए ना, तो वो आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू समझ रहे हैं, तभी उनके माइंड में ये चीज़ रोटेट हो रही है कि आपके सही मूव होना है। ठीक है, ये कार्ड एक स्प्रेडिंग योर विंग्स का कार्ड माना जाता है, मतलब आप अपनी लाइफ को एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं नई चीज़ों को, क्यूरियोसिटी आप में बिल्ड हो रही है, मे बी किसी नई चीज़ को सीखने के लिए, नॉलेज को गैदर करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, या आपने कुछ ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना है एनी हाउ, समझ रहे हो। तो हो सकता है कि अभी आपको नजर नहीं आ रही होंगी चीज़ें, मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, धीरे धीरे जैसे आप एफर्ट लगाते जाओगे, समय आगे बढ़ेगा, आपको रिसोर्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रोथ का कार्ड ये माना जाता है एक्चुअली, ठीक है। और ये आपके पर्सन की एनर्जीज बता रहा है कि आपके पर्सन एक मूव करना चाह रहे हैं आपके सही, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो जितने ज़्यादा आपने इमोशंस स्पेंड किए ना अपने पर्सन पे, आपके भी पर्सन आप पे इमोशंस स्पेंड करना चाह रहे हैं। अपना किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले आ रहे हो, ठीक है, तो आप में जो डिफरेंसेस इतने समय से चल रहे हैं ना, वो भी कम हो सकते हैं। देन यहाँ पे डेविल दिख रहा है कि ये एनर्जी ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेट दिख रही है। मैक्सिमम साइंस में ये कार्ड निकल के आ रहा है, उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न है कि आप सभी अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, और जब आप कार्मिक पर्सन से डील करते हैं तो उसको निगेटिव नहीं लेना है। वो आपका एक ऐसा पीरियड स्टार्ट हो जाता है जहां आपको ग्रोथ दिखना शुरू हो जाती है। इंस्टेंट नहीं दिखेगी आपको ग्रोथ, इंस्टेंट आपको ये लगेगा कि आप एक डार्कर मोड में फंसते चले जा रहे हैं, आप रिलेशनशिप के ट्रैप्ड में फंसते चले जा रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होती ही नहीं, आपके अकॉर्डिंग काम ही नहीं बनते हैं। ये आपकी मेंटालिटी हो सकती है, बट इन रियलिटी यूनिवर्स आपके फेवर में काम करते हैं, ठीक है। डेविल का आना आपकी लाइफ में चेंजेस के आने को शो करता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों अटैच्ड हैं, डिफरेंसेस होने के बाद भी, सेपरेशन वाली एनर्जी में होने के बाद भी आप इंटरनली कनेक्टेड हैं, डीपर लेवल पे आपका मुझे बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है। ये बहुत इंटेंस एनर्जी का कार्ड माना जाता है ना। तो नज़र आ सकती है कि अभी आप दोनों में या तो फिर बात नहीं हो रही है या कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो उसका रीज़न डेविल है। जैसे ये एनर्जी रिलीज़ होगी ना, जैसे आप सेल्फ वर्क करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, वैसे ये कार्ड आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो अपने एनर्जी पे फोकस करना है आपको। देन यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आ गया। हाई प्रिस्टेस बता रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। देन आपके सराउंडिंग में कुछ जेलसी रखने वाले लोग प्रेजेंट रह सकते हैं, तो उनसे क्या अलर्ट रहना है। हाई प्रिस्टेस जब भी आता है ना, तो आपकी एक अलग ही लेवल का ऑरा बना देता है, लेवल का एक एटीट्यूड आपका बन जाता है, जिससे लोग इम्प्रेस ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, आपका ओपन कम्युनिकेशन होने लगता है, आप काफ़ी लॉयल पर्सन होते हैं, ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, तो ये पर्सनैलिटी ऑब्वियसली बात है सबको ही चाहिए है। वो
ट्रांसफॉर्मेशन आप में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपका जो डिसकनेक्शन बन चुका है कुछ लोगों से, अपने पर्सन से, अपने इंट्यूशन से, तो वापस से कनेक्शन बिल्ड करिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारे यहाँ पे ना मैसेजेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड ये कार्ड बता रहा है कि आप इन 10 दिन में कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही हैं उससे आप बाहर आ पाओगे। देन यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड आ गया, तो कुछ लोगों की लाइफ में एक फ़ीमेल पर्सनैलिटी है जो आपको गाइड करती हैं, जो आपको रास्ता बताती हैं, और अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो आप किसी मेंटोर के पास जा सकते हैं गाइडेंस लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए, या आपके पर्सन की लाइफ में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है जो उनको गाइड कर रही हैं, जो उनको मीन्स या तो आपसे डिस्ट्रैक्ट करती हैं या उनकी लाइफ में ब्लर एनर्जीज क्रिएट करती हैं, तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। देख लो, यहाँ पे अगर उनका माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड है, बट कोई बात नहीं है, यही एनर्जीज रिलीज होंगी। आपके पर्सनैलिटी एकदम सॉर्ड वाली दिख रही है, मतलब सही गलत का आप क्लियर एंड कट अपना कम्युनिकेशन रखोगे। जो फियर, एनजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप इतने समय से चले आ रहे हो ना टॉरस, वो डिप्रेसिंग मोड आपका रिलीज हो रहा है, और ये कार्ड एक अथॉरिटी को गेन करने को भी शो करता है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप एज अ टीम लीडर काम कर रहे हो, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, एक सक्सेसफुल करियर के साथ आगे बढ़ रहे हो, और ये आपकी मींस स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। तो जो चीज़ें अभी आपको लग रहा है कि फिक्स नहीं हो सकती है, मतलब आपका करियर, रिलेशनशिप, वो सारी चीज़ों में आपको यूनिवर्स ना यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं टॉरस। देन यहाँ पे आ गया सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपने ना बहुत मेहनत की है अपने गोल तक पहुँचने के लिए, अपनी एनर्जीज को गैदर करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए। तो मैं एक बात बता दूँ, ये देख रहे हो ना वॉन्ड्स, ये यूनिवर्स की कहीं ना कहीं इसको ब्लेसिंग समझिए कि आपको ना प्रोटेक्ट करके रखा है यूनिवर्स ने। जो निगेटिव एनर्जीज अगर आपके साइड आना भी चाह रही है ना, तो आ नहीं सकती हैं। ठीक है, ये आपको गिव अप नहीं करने को बोलता है, क्योंकि जब आप अपने सक्सेस के करीब आ जाते हैं ना, शायद तभी आप गिव अप कर देते हो। ऐसा ना करें, ठीक है, अपने इंट्यूशन पे भरोसा आपको करना पड़ेगा, अपने आप पे भरोसा आपको करना पड़ेगा। और आपको यहाँ बोला जा रहा है कि एनर्जीज को ना प्रायोरिटाइज करिए कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहे हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। ठीक है, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो इन 10 दिन में कुछ चीज़ों को अप्लाई भी कर सकते हैं टॉरस। आपका विज़न मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये कार्ड ना आपको स्पिरिचुअली एक्टिवेट भी करेगा। ओके, तो अगर आप पिछले कुछ समय से परेशान चल रहे हो, मेंटल लेवल पे एकदम ही अपने आप को अपने ओवरलोडेड करके रखा हुआ है ना, यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप उस प्रॉब्लम से निकल पाएँ और डिफेंड कर पाएँ अपनी एनर्जी को। ठीक है, अगर पिछले कुछ समय से आप चैलेंजेस ज़्यादा फेस कर रहे हो, एग्जॉस्ट आप हो चुके हो, तो वापस से एक एनर्जाइज्ड वे में दिसंबर को ले जा सकते हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग स्टार आ गया, आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर्स मुझे काफ़ी बड़ी लग रही हैं। तो आप जो अचीव करना चाह रहे हो ना, उसको लेकर आप एक कोई हार्डवर्क कर रहे हैं या एफर्ट लगा रहे हैं, तो आपका मैं एक बात बताऊँ, एफर्ट खाली नहीं जा रहा है। स्टार का आना आपकी लाइफ में ना होप आने को शो करता है, कुछ चीज़ों में रिन्यूअल हो रहा है, मे बी आपके रिलेशनशिप में और करियर में। आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि वो उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और पर्सनल ग्रोथ का कार्ड ये माना जाता है। तो आपका इन 10 दिन में पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, न्यू बिगनिंग भी आ सकती है, आपका हार्ट ओपन रहेगा न्यू कनेक्शंस को आगे लेके जाने में, और आप एक पार में आ रहे हो। पिछले कुछ समय से अगर आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे थे अपनी ही एनर्जीज से, तो वापस कनेक्ट हो रहे हो। बॉटम से आ गया नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स है, तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को रिगेन करना, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना, कुछ लोग यहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग सकते हैं इन 10 दिन में, मतलब आपका फोकस रहेगा लग्जरी को गेन करना, अच्छी बात है, लेकिन ज़रा सेविंग्स एंड पेंटिकल्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा वृष राशि। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही हैं मिड ऑफ दिसंबर, क्या आ रहा है आपके साइड टॉरस। यहाँ पे बिलीव आ गया, तो आपको ना अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जो डिफिकल्ट सिचुएशन चली आ रही है, पेन चला आ रहा है, वो भगवान ज़रूर रिलीज करेंगे, लेकिन यहाँ लिखा है एक्ट नाउ, अभी आपका समय चल रहा है मेहनत करने का और एक्शंस लेने का।
देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं वृष राशि, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो अगर आप पिछले कुछ समय से नेगेटिव मोड में चल रहे हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहे हो, तो आपको हीलिंग यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे कार्ड से देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। वृष राशि, क्या आ रहा है आपके साइड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा होगा रिलेशनशिप वाइज, आपके करियर वाइज, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप उसे कंप्लीट करने वाले हो। कुछ मेजर चेंज देख सकते हो, यहाँ पे सन वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है, उसको ना आप गैदर करके आगे बढ़ोगे। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मैग्निफिशियंस का कार्ड आया है, तो ये बता रहा है यू आर अमेजिंग, मैग्निफिशेंट एंड यूनिक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर इनफ। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा मैसेज आया है कि आप यूनिक पर्सनैलिटी रखते हो, आप अमेजिंग पर्सन होते हो, और सबसे मेन एनर्जी है कि आप अकेले ही काफी है लाइफ को लीड करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए। तो यहाँ वहाँ आपको भटकने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स भगवान एंजल्स पे ट्रस्ट करिए, वही आपको ग्रो कराएंगे, वही आपको एक टॉप ऑफ द पोजिशन लेके जाएंगे। तब भी यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर इनफ, ठीक है। तो आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत है नहीं, आप इंडिपेंडेंट आगे बढ़ सकते हैं। एयर एलिमेंट का कार्ड आया, तो मे बी आप किसी लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से डील कर रहे होंगे, उनका साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि एयर का कार्ड आया है, तो ये आपके सिचुएशन में चेंजेस लाने का काम करेगा। सच्चाई का आपको साथ देना पड़ेगा, एक फ्लो में आपको अपनी लाइफ को लेके जाना है, ज्यादा हैडिक नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन क्रिएट नहीं करनी है, वरना आप डेविल वाले मोड में चले जाते हो। तो अपनी एनर्जीज को पहचानिए और उस पर काम करिए। वृषराशि, तो बहुत अच्छे कार्ड है, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।